भारत का वो मंदिर जहां भगवान शिव अपने भक्तों को दिन में दो बार दर्शन देने आते हैं और इसके बाद ये मंदिर अपने आप गायब हो जाता है। ये एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इसका भी एक समय है। दरअसल भगवान शिव का ये मंदिर अरब सागर में मौजूद है और ये मंदिर दिन में दो बार समुद्र में समा जाता है और फिर अपने आप ही समुद्र से बाहर भी दिखाई देने लगता है। ये मंदिर अरब सागर में कैसे बसा, इसकी भी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवि कंबोई गांव में मौजूद है। मंदिर 150 साल पुराना है, जो अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की महिमा देखने के लिए आपको यहां सुबह से लेकर रात तक रुकना पड़ेगा। भले ही भारत में समुद्र के करीब कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर दिन में दो बार समुद्र में समा जाता है और इसी वजह से यह मंदिर इतना अनोखा है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है, या यूं कहें कि अरब सागर में ही स्थित है। दिन में कम से कम दो बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब समुद्र का जलस्तर बारह जाता है, तब मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और जैसे ही जलस्तर कम होता है मंदिर अपने आप पानी के बाहर आ जाता है। हिंदू मंदिरों की श्रृंखला में आज एक ऐसे शिव मंदिर की बात जो दिन में दो बार आंखों से ओझल हो जाता है। हालांकि मंदिर का गायब होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अनूठी प्राकृतिक घटना है। गुजरात के वडोदरा से 75 किलोमीटर दूर कावी कमोई गांव में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने की थी। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, भगवान शिव को समर्पित इस स्तंभेश्वर तीर्थ का वर्णन स्कंद पुराण और श्री महाशिव पुराण की रुद्र संहिता में मिलता है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने भगवान शिव की तपस्या से उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर पाए, और वो भी मात्र 6 दिन की आयु का। वरदान पाकर ताड़कासुर ने हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। राक्षस के उत्पात से तंग आकर मनुष्य और देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए शिव शक्ति के पुत्र कार्तिकेय, अंततः 6 मुखों वाले कार्तिकेय ने मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का संहार कर दिया। जब कार्तिकेय को यह पता चला कि जिस राक्षस का उन्होंने वध किया है वह उनके पिता का बहुत बड़ा भक्त था, तब उनके मन में अशांति छा गई और वो व्यथित रहने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को यह सुझाव दिया कि जहां उन्होंने राक्षस का वध किया है उस स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण करा दें तो उनके मन को शांति मिलेगी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार कार्तिकेय ने इस मंदिर का निर्माण कराया और सभी देवताओं ने मिलकर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जो स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। वर्तमान में इस मंदिर की खोज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व ही हुई है। दो बार गायब होने वाला मंदिर स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का दिन में दो बार गायब होना कोई चमत्कारी घटना नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। दरअसल मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है, या यूं कहें कि अरब सागर में ही स्थित है। दिन में कम से कम दो बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, तब मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और जैसे ही जलस्तर कम होता है मंदिर अपने आप पानी के बाहर आ जाता है। कैसे पहुंचे स्तंभेश्वर महादेव? गुजरात के भरूच जिले की जम्बूसर तहसील में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा वडोदरा में है, जो मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा सूरत हवाई अड्डा यहां से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन भरूच जंक्शन है, जिसकी मंदिर से दूरी लगभग 96 किलोमीटर है। भरूच पहुंचने के बाद आसानी से मंदिर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि गुजरात राज्य परिवहन के अलावा निजी परिवहन सेवाओं की उपलब्धता भी है। सड़क मार्ग से भी भरूच होते हुए गुजरात के किसी भी शहर से आसानी से स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा जा सकता है।